हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके पास एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 खत्म होने को आया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस साल की बेस्ट थ्रिलर मूवी कौन सी रही है, तो उसका आंसर है हार्ट ऑफ स्टोन। ये मूवी एक हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर है। मूवी पे स्टार की है आलिया भट्ट, केया के रोल पे गैल गैडोट स्टोन के रूप में, और जेमी डॉर्मन एस पार्कर, जो कि इस मूवी के तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। मूवी की शुरुआत होती है आल्प्स के एक कैसीनो में, जहां पे बेली, यैन, स्टोन और पार्कर मुलवैनी को किडनैप करने के लिए एक मिशन में है। मुलवैनी एक इलीगल आर्म्स डीलर था और ये सब MI6 नाम के एक ग्रुप का हिस्सा है, जो गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट में काम करते हैं और बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। यैंग और पार्कर फील्ड एजेंट है, बेली ड्राइवर और स्टोन एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है। मिशन में जाते वक्त यैंग स्टोन को गाड़ी से निकलने के लिए मना करती है, क्योंकि उसको लगता है कि स्टोन अभी भी फील्ड के लिए तैयार नहीं है और अगर वो गाड़ी से नीचे उतरे तो उसको नुकसान पहुंच सकती है। पर मुलवैनी को ट्रैक करने के लिए और बेसमेंट का एक्सेस के लिए उनको डिवाइस के और क्लोज जाना पड़ेगा, पर पार्कर और यांग के लिए वो मुमकिन नहीं था। इसलिए स्टोन गाड़ी से निकलकर कैसीनो के अंदर चली जाती है। वो वहां पे गेम खेलने के एक्सक्यूज से उनका डिवाइस हैक कर लेती है। इसी समय एक सिक्योरिटी को उस पर शक होता है और वो आके उससे फोन चेक करने के लिए छीन लेता है, पर लकीली स्टोन ने तब टैब चेंज कर दिया था तो वो पकड़ी नहीं गई। स्टोन ने जल्द से जल्द सिस्टम को हैक करके पार्कर और यांग को बेसमेंट की एक्सेस दे दी। फिर यांग और पार्कर जाते हैं मुलवैनी को लेने। इस मिशन के दौरान यांग पकड़ी जाती है और उन लोगों के बीच एक फाइट शुरू हो जाती है, पर पार्कर किसी तरह मुलवैनी को लेकर भाग जाता है। वो उसके साथ एक केबल कार में बैठता है और पहाड़ से नीचे की ओर जाने लगता है। उधर मुलवैनी के लोग भी उसका पीछा करते हुए पहाड़ से नीचे जाने लगे, जहां पार्कर केबल कार से पहुंचता ताकि वो लोग मुलवैनी को उनके चंगुल से छुड़ा सके। ये देखते हुए पार्कर को बचाने उसके MI6 टीममेट्स यानी कि बेली, यांग और स्टोन पहाड़ के नीचे जाने की डिसीजन लेते हैं, लेकिन कैसीनो से निकलते वक्त स्टोन गिर जाती है और वो बाकियों को उसके बिना ही चले जाने को बोलती है। लेकिन असलियत में स्टोन अलग से पार्कर का पीछा कर रही थी, जिसमें उसको हेल्प करता है जैक ऑफ हार्ट्स। पर जब तक MI6 वहां पहुंचती है, वहां पे कोई लोग नहीं रहता है, क्योंकि स्टोन ऑलरेडी सबके साथ लड़ रही थी लेकिन वो किसी के सामने नहीं आई। जब वो मुलवैनी को बाहर निकालने की कोशिश किए, तब पता चला कि वो साइनाइड खा चुका है और उसकी मौत हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में वो सब लंदन वापस आ जाते हैं। वहाँ मीटिंग में स्टोन सभी को बताती है कि वहाँ एक लड़की थी जिसने स्टोन को बोला कि वो उसी की पार्टी थी, जिस वजह से स्टोन को शक हुआ और वो इस लड़की को ढूंढने लगी। स्टोन ये भी बताती है कि वो कुछ समय के लिए स्टोन का भी सिस्टम हैक कर ली थी, जिस वजह से स्टोन और भी क्यूरियस हो गई थी। मीटिंग के बाद MI6 मेंबर्स एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं कुछ वक्त बिताने के लिए, जहां वो लोग बियर पी रहे थे और कुछ बातचीत कर रहे थे। यांग तब स्टोन से पूछी कि जब यांग और बेली पार्कर को बचाने के लिए गए थे तब स्टोन क्या कर रही थी। इसके जवाब में स्टोन उन्हें बताती है कि वो बाथरूम में छुप गई थी, जो सुनकर सब विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें तब भी स्टोन की असली पहचान पता नहीं थी। स्टोन ज्यादा बातें बढ़ने से पहले सभी को गुड नाइट बोलकर घर चली जाती है, लेकिन तब भी उसके दिमाग से वो कैसीनो वाली लड़की निकली नहीं थी, तो वो घर जाके उसके बारे में खोज करना शुरू करती है। तभी उसे एक अननोन से टेक्स्ट आता है कि कहीं वो उसे ही तो नहीं ढूंढ रही है, जिसे देखकर स्टोन थोड़ा चौंक जाती है, पर वो उससे पूछना चाहती है कि उसे क्या चाहिए और वो क्यों कर रही है ऐसा, जिसका जवाब दिए बिना ही वो ऑफलाइन हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्टोन एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है और तभी एक मर्द आकर उसे बुलाती है। वो और कोई नहीं जैक ऑफ हार्ट्स था, जो द चार्टर की
एक एजेंट था जिस ग्रुप का स्टोन एक्चुअली में मेंबर थे। इसके बाद स्टोन गई नोमार्ड से मिलने, जो कि द चार्टर की एक सुपीरियर थी। नोमार्ड स्टोन को बहुत डांटती है पिछली बार की गलतियों के लिए, क्योंकि इसके कारण उसके ऊपर शक किया जा सकता था और उनका सीक्रेट ग्रुप एक्सपोज हो जाता। द चार्टर ग्रुप है एक ऐसा ग्रुप जो दुनिया में शांति कायम रखना चाहता है और निर्दोष लोगों को सुरक्षित रखना चाहता है, और ये मुमकिन होती है द हार्ट एक क्वांटम कंप्यूटर की सहायता से। इसी के मदद से वो लोग अपना सारा ऑपरेशंस करते हैं। ये भी बोला जाता है कि जिसके पास द हार्ट है वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है, जिस वजह से बहुत दिनों से इस चार्टर ग्रुप को एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। फिर सीन शिफ्ट होती है स्टोन के घर, जहाँ पे वो तब भी इस लड़की को ढूंढ रही थी, और हार्ट के मदद से उसे पता चला कि ये लड़की पुणे इंडिया से केया धवन है, जो कि 22 साल की है। 8 साल की उम्र में अपने माँ बाप को खो देती है एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट में। केया की मम्मी पापा को बस यूज़ किया गया था लैब रैट की तरह, जिसकी वजह से वो अनाथ हो गई थी। इन सब के पीछे खर्चे नाम के एक आदमी का हाथ था, और बाद में उसी ने ही केया को गोद ले लिया था अपने आप को थोड़ा कम गिल्टी फील कराने के लिए। इसी वजह से केया इन सब से बदला लेना चाहती थी और खर्चे को एक्सपोज करना चाहती थी, जिसलिए उसने ये रास्ता चुना। इधर MI6 ग्रुप लिस्बन पहुंचती है इस केया नाम की लड़की को ढूंढने। वो लोग एक अपार्टमेंट में रहते हैं और आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ऐसे वक्त पे कुछ लोग उनपे हमला करते हैं और गोलीबाजी शुरू होती है। जैक को सेंस होता है कि स्टोन खतरे में है और वो स्टोन को बाहर निकलने का रास्ता बताता है, पर स्टोन वापस अंदर जाता है अपने टीममेट्स को बचाने। वहाँ वो अकेले सारे गुंडों से लड़ जाती है और किसी भी तरह वो इन सब को बाहर निकालती है। फिर एक वैन में बैठकर पूरी शहर में भाग दौड़ करने के बाद गुंडों को पीछे छोड़कर एक सुनसान जगह पे गाड़ी रोकती है। अब स्टोन की असली चेहरा सबके सामने आ चुकी है, क्योंकि स्टोन ने अकेले उतने सारे गुंडों को हराया, गाड़ी चलाया। तो ये सब देखने के बाद उसके टीममेट्स उससे पूछताछ करने लगे, और स्टोन ये बात उन्हें बता देती है कि वो द चार्टर की एक एजेंट है। और ये सुनते ही पार्कर अचानक से यैंग और बेली को गोली मार देता है और स्टोन को एक पॉइजन देकर पैरालाइज्ड कर देता है। पार्कर जाने से पहले स्टोन को ये भी बताता है कि उसी ने ही मुलवैनी को मारा था, और वो भी अंडरकवर है। जाते जाते उसने स्टोन के बॉडी पे एक डिवाइस इनपुट कर दिया, जो कि किसी सिस्टम को हैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ देर बाद द चार्टर के लोग स्टोन के पास पहुंचते हैं और उसे हेडक्वार्टर्स लेके जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। स्टोन को हेडक्वार्टर्स पे होश आने लगती है, तभी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है, पर स्टोन जल्दी से उठकर अपने बॉडी से वो डिवाइस निकाल कर डिस्ट्रॉय कर देती है। नोमार्ड इन सब वजह से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे फिर से वहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसी की वजह से पार्कर को चार्टर बेस की पता चल जाती है। नोमार्ड स्टोन की लापरवाही और जिद्दीपने की वजह से स्टोन को टीम से सस्पेंड कर देती है। स्टोन वहां से निकलकर बेली के घर जाती है, जहां उसको पता था कि बेली का बिल्ली अकेला था। रास्ते में केया फोन करके स्टोन से बात करती है, और तभी उसे पता चलता है कि पार्कर ने स्टोन की दोस्तों को मार डाला है। स्टोन बेली के घर पहुंचकर अपने दोस्तों को खोने के दुख से रोने लगती है, फिर वो वहीं से केया को ट्रैक करना शुरू करती है। दूसरी तरफ नोमार्ड इसके बाद जाती है फोर किंग्स से मिलने। ये फोर किंग्स द चार्टर के हेड्स थे। नोमार्ड खुद उन चार किंग में से एक थी। वो जाकर पता लगाती है कि ये पार्कर कौन है। उन्हें पता चलता है कि पार्कर पहले एक एजेंट हुआ करता था। एक ऑपरेशन के बाद वो लोग उसे साथ लेना भूल गए थे, और पार्कर इसी चीज का बदला ले रहा है। इसी बीच पार्कर को पता लग जाता है कि हार्ट दक्षिण अफ्रीका के ऊपर एक उड़न जहाज में है, तो पार्कर और केया तुरंत वहां पहुंचते हैं हार्ट को चुराने। उन्हें रोकने स्टोन भी वहां पहुंच जाती है, पर
पर वो कामयाब नहीं हो पाती है और वो जहाज बर्बाद हो जाता है। लेकिन पार्कर हार्ट को लेकर भाग जाता है। केया और स्टोन बिछड़ कर सेनेगल रेगिस्तान में गिर जाते हैं। उतने ऊंचाई से गिरने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। स्टोन को होश आते ही स्टोन देखती है कि केया उस पे बंदूक ताक के रखी है। स्टोन केया को समझाती है और रेगिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करती है। एक लोकल लेडी उन्हें रेस्क्यू करती है और लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो लोग पहुंचते हैं, स्टोन को पता चलता है कि ये लोकल गुंडों का एक मेंबर थी जिन्हें पार्कर ने भेजा था केया को वापस लेने और स्टोन को मारने के लिए। स्टोन समुन्द्र में छलांग लगाती है और किसी तरह वहां से बचकर भाग जाती है। फिर सिक्स ऑफ हार्ट उसे रेस्क्यू करती है और आइसलैंड पहुंचा देती है। आइसलैंड में पार्कर रेकजेविक यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर लैब में हार्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही उसे एक्सेस मिला वो पहले चार्टर बेस की वेंटिलेशन बंद कर देता है जिससे वहां रहने वाले सभी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने के वजह से मरने वाले थे। उनके पास वक्त बचा था सिर्फ 1 घंटा। ये सब देखकर केया बहुत डर जाती है और पार्कर को बोलती है कि वो इन सब के खिलाफ है क्योंकि वो सिर्फ चार्टर को दुनिया के सामने लाना चाहती है, ना कि उन्हें मारना। लेकिन पार्कर उसकी बात नहीं सुनता है और वो 4 किंग में से 1 जन को मार डालता है। ये सब देख के केया जाकर स्टोन को सावधान करती है और उसको ओरिजिनल हाइडआउट का पता दे देती है। उसके साथ साथ उसने स्टोन को एक्सेस भी दे दिया था ताकि वो अंदर आ सके और बाकी कोई मासूम जान को तकलीफ ना पहुंचे। दूसरी तरफ स्टोन उस किंग को बचाने की कोशिश करता है पर बहुत लेट हो चुका था क्योंकि वो टारगेट एरिया में पहुंच चुका था। उधर केया जब तक स्टोन ना पहुंचे इन सब को रोकने के लिए हार्ट का एक्सेस बंद कर देती है जो कि फिर से रिएक्टिवेट होगा सिर्फ केया के बायोमेट्रिक्स के साथ और फिर केया छुप जाती है। स्टोन जल्द से जल्द उनके सीक्रेट बेस पे पहुंचती है पर तब तक पार्कर ने केया को ढूंढ लिया था और वो जबरदस्ती हार्ट को रीस्टार्ट करवाना चाहता था। आखिर में पार्कर को ये पता लग जाता है कि स्टोन वहां पहुंच चुकी है और वो केया को मारने की धमकी देती है पर केया और स्टोन मिलकर उसके साथ लड़ लेती है और फाइनली केया की मदद से स्टोन पार्कर को मार डालती है और वो लोग सक्सेसफुली हार्ट को रिस्टोर कर लेते हैं और जल्द से जल्द वो लोग चार्टर बेस की सिस्टम और वेंटिलेशन चालू कर देता है ताकि वहां पर रहने वाले लोग बच जाए। और वेंटिलेशन शुरू करने के कुछ ही देर बाद सब कोई धीरे धीरे सेंस में आने लगे जिससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। ये मिशन कंप्लीट होने के बाद स्टोन एक डॉल हाउस खरीदती है और एक दरवाजे के सामने छोड़ देती है। एक छोटी सी लड़की वो तोहफा देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो छोटी लड़की बेली की भतीजी थी और मरने से पहले बेली उसके लिए कंप्यूटर पे यही डॉल हाउस देख रहा था उसको गिफ्ट करने के लिए। फिर मूवी की अंत होती है एक हैप्पी नोट पे 4 हफ्ते बाद एक नया मिशन के साथ जहाँ केया और जैक स्टोन की न्यू टीम मेंबर्स हैं और बाहर निकलते वक्त इस बार स्टोन केया को गाड़ी से निकलने को मना करती है ताकि वो सेफ रहे। तो ये थी हार्ट ऑफ स्टोन की स्टोरी। ये मूवी आलिया भट्ट की हॉलीवुड में पहली काम है और हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए ये एक जबरदस्त शुरुआत है। थ्रिल, एक्शन, स्पाई एसेंस, टेक्नोलॉजी सभी को मिलाकर एक दमदार क्रिएशन है ये मूवी। तो दोस्तों अब आप बताएं आपको कैसी लगी ये मूवी, क्या आप इसका सेकेंड पार्ट चाहते हैं? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक न्यू मूवी के साथ।